वेलकम टू अवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज चलिए हम लोग पढ़ते हैं NCERT गणित कक्षा 10 का 5.3 यानी प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न हल करते हैं। इसके पहले हम आप लोगों को 5.2 और इसके पहले मतलब 5.3 के पहले के सारे क्वेश्चन या सारे चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पर आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज इसका पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहा निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि पद जैसे है, पद कौन सा पद हमें ज्ञात करना है, उसका मान कितना होता है, ये सब डी कैसे पता करते हैं, ए कैसे पता करते हैं, ये सब आप लोगों ने समांतर श्रेणी में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी कोई दी गई हो, उसका अगर हमें योगफल सारे नंबर्स जो दिए गए हैं उनका अगर हमें योगफल पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे। तो इसमें आप लोगों को एक फार्मूले का यूज करना होगा, उसी फार्मूले के माध्यम से हम n पदों का की संख्या का योग जो है हम पता कर सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला है यस एन बराबर होता है n बटा दो ए प्लस n माइनस वन डी। ये आपका फार्मूला है। इसी के माध्यम से हम जो है पदों की जो पद दिए गए होते हैं जितने भी पद हों उनका योग पता कर सकते हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है जो इसका उसको देखते हैं। पहला प्रश्न जो दिया गया है दो सात बारह ये आपका पहला प्रश्न है। और ऐसे ऐसे करके कितने पद हैं इसमें 10, यानी इस समांतर श्रेणी के कुल कितने पद हैं पदों तक। ये समांतर श्रेणी का कोई नंबर्स नहीं है, ये 10 जो है ये नंबर नहीं है समांतर श्रेणी का, मतलब कोई अंक कोई पद नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे करके हम समांतर श्रेणी जो हमारी बन रही है 10 नंबर तक या 10 संख्या तक हम जाएंगे। तो 10 संख्या तक जाने के बाद जितने नंबर हमको मिलेंगे इन सब का, जैसे 2, 7, 12 या जितना नंबर बीच में हमारा मिलेगा, ऐसे ऐसे करके जब हम जाएंगे तो जितने नंबर मिलेंगे उन सब का योग कितना होता है वही हमको पता करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ए बराबर देखिए पहला पद कितना है 2 है, फिर डी बराबर देखिए 5, 7 में से 2 घटा लेंगे तभी तो हमको डी मिलेगा, सार अंतर यही होता है। तो 7 में से 2 निकाल दिए कितना आया 5, ये डी हो गया। एन बराबर देखिए एन बराबर कितना है 10, पदों की संख्या कितनी है सब 10 है। बस इतने का ही हमें इसमें मान पता करना है, मतलब देख रहे हैं क्या क्या लगेगा। देखिए ए लगेगा तो ए हमारा 2 है, एन लगेगा एन मिला है, डी लगेगा तो डी है, बस इतना तो हमको यूज करना है। तो बस इसी पे हम रख देते हैं। देखिए अब यस एन बराबर हमारा हो जाएगा एन बटा 2, एन कितना है 10 है तो 10/2। एक सवाल आप लोग समझ लेंगे तो सारे सवाल आसान हो जाएंगे। तो इसके बाद 2 × a है, a का मतलब भी 2 है, देखिए फिर देखिए प्लस है, फिर n है, n का मतलब कितना है 10 है, 10 में से 1 घटाना है, फिर इसके बाद d का मतलब कितना है 5 है। अब इसी को हमें हल करना है। देखिए बहुत आसानी से हम बता रहे हैं, एक सवाल दो सवाल आप लोग बढ़िया समझ लेंगे तो इसमें कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, केवल फार्मूले पर रखना है बस आपको। चलिए सरल कर लेते हैं, देखिए काट देते हैं 5 आ गया यहाँ पे, इसको थोड़ा सा और सरल करते हैं अब। तो ये आपका हो गया बराबर 5 तो ये है ही है, इसके बाद 4 है प्लस, देखिए यहाँ पे 10 में से 1 गया कितना हो जाएगा 9, 9 × 5 45 हो गया। अब क्या करना है देखिए ब्रैकेट में इसको पहले हल करते हैं। तो ये हो गया 5 × 45 में 4 जोड़ देंगे कितना होगा 49, और इसका आप गुणा कर लेंगे, देखिए 5 × 9 = 45, 5 × 20 और 2 5 × 20 = 24 ये आपका पदों का योग हो गया और यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो आशा करते हैं आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं, अगर नहीं भी आया होगा तो अब इस बार कन्फर्म हो जाएगा आप लोगों का। तो दूसरा सवाल यहाँ पर लगाते हैं,
-37, फिर है -33, फिर है -29, ऐसे ऐसे करके कितना पद जाना आपको, 12 पद। मतलब इस समांतर श्रेणी में हमको बढ़ना है और कहाँ तक जाना है, कै पद ले जाना है हमको, 12 पद ले जाना है। अब देखिए इसमें a बराबर आपका कितना है, a बराबर है -37, a बराबर हो गया। d बराबर देखिए -37 में से -37 को घटाना है, मतलब माइनस करना है। तो माइनस की प्रक्रिया पहले देख लीजिए किस तरह से हम माइनस करते हैं। देखिए जैसे यही है -33 है, इसमें से आपको -37 घटाना है। देखिए ये तो घटाने का चिन्ह हो गया और ये दोनों आप चिन्ह अपने अपने अंक के हैं, तो जो अपने अंक के हैं उनको भी लिखेंगे और बीच में जो घटाने का निशान उसको भी लगाएंगे हम। तो ये हो गया -33 और ये माइनस माइनस का +37। अब देखिए घटाएंगे 37 में से 33 निकाल देंगे हम, तो कितना बचा, 4। यही 4 तो आया बस। तो d बराबर कितना हो गया आपका, 4 हो गया। अब देखिए d का मान हो गया n, देखिए n बराबर आपका कितना है, 12 दिया ही गया है। अब सारे अंक आपको मिल गए, अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल करना है क्या, फार्मूले पे रखना है। तो देखिए n बटा 2 है, यस n निकालते हैं, यस n बराबर n बटा 2, n मीन्स कितना है, 12 बटा 2। फिर है 2a, 2 गुड़े a, a का मतलब कितना है, 37 है, -37 है, तो 37 लिख दिए। फिर है प्लस लगाते हैं, n का मतलब, सॉरी चलिए ठीक है, n का मतलब जो है कितना है, n मीन्स आपका 12 है, तो 12 माइनस 1 और d का मतलब कितना आया है, 4। बस अब इसको जो है आपको हल करना है, तो चलिए हल करते हैं। ये आपका 6 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 37 दूना 2 सते, माइनस में आएगा 2 सते 14 और 2 तीन 6 7, 37 दूना कितना हो गया, 74। प्लस यहाँ पे देखिए 12 में से 1 गया 11 और 11 से 4 में गुणा कर देंगे, 11 चौ 44। अब देखिए ये तो माइनस में है, ये प्लस का है, तो घटाएंगे इसको हम, 6 लिख देंगे घटा लेंगे। देखिए 4 में से 4 निकाल दिए 0 आया, और 7 में से 4 निकाल देंगे तो कितना आएगा, 3, और ये आएगा किसमें, माइनस में। फिर देखिए गुणा कर लेते हैं, 6 यहाँ पे है हमारा, 6 से अंदर में क्या करते हैं हम, गुणा कर लेंगे -30 में, तो 3 6 18 180, और वो भी किसमें, माइनस में। ये आपका उत्तर हो गया -180। तो उम्मीद करते हैं अब आप लोगों को सवाल ये कंफर्म हो गया होगा। कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, केवल फार्मूले पे सेट करके रख देना है, सरल करने का, और सरल करने की प्रक्रिया हम आप लोगों को कैसे कैसे, जो जो हम पहले कर रहे हैं बाद में कर रहे हैं, उसी तरीके से आप लोगों को करना है। तो ऐसे करेंगे तो कोई भी सवाल इसमें फंसने वाला आपका नहीं है। चलिए हम कोई भी सवाल छोड़ेंगे नहीं, आपको सारा सवाल बताएंगे। तो चलिए इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो तीसरा प्रश्न इसका देखिए, कह रहा है 0.6, फिर 1.7, फिर 2.8, ऐसे करके आपको कहाँ तक जाना है, 100 पदों तक जाना है, और 100 पदों का योग आपको पता करना है। तो यहाँ पे चलिए ये a बराबर जो है, a बराबर आपका 0.6, ये दे 0 का है इसलिए हम मस्ट बताएंगे इसको, और इसको समझने का प्रयास करिए, क्योंकि 0 का गुणा भाग जो होता है थोड़ा सा कुछ बच्चों को कम समझ में आता है, तो उसको आप लोग समझ जाएंगे यहाँ पे, तो कभी भूलेगा नहीं आपको, ऐसे तरीके से हर जगह करना है। तो ए बराबर इतना हो गया, और डी बराबर देखिए, डी बराबर आपका कितना होगा, मतलब 1.7 से 6 को माइनस करना है। तो 1.7 को जब 6 से माइनस करेंगे तो देख लीजिए इसकी प्रक्रिया, 1.7 लिखते हैं, इसमें से 0.6, तो 0 बिल्कुल सीधाई पे होना चाहिए, जोड़ घटाओ में जो है यानी प्लस माइनस में आपको क्या करना है, जो प्रक्रिया करनी है वो 0 को बिल्कुल सीधाई पे रखिए, जो अंक इधर है इधर रखिए और जो अंक इधर है इधर।
तो इधर केवल 6 है, घटा लेते हैं 1.1, कितना आया इसमें से घटाएंगे, ये 1.1, यानी डी बराबर आपका कितना आ गया 1.1, ये डी हो गया। अब यन देखिए, यन बराबर दिया ही गया है कितना है 100 है, बस आप फार्मूले पर रख दीजिए। यस एन बराबर, यानी यस एन का मतलब संख्याओं का योग। अब कह रहा है यन बटा दो, तो यन कितना है 100 है, 100/2 करते हैं। फिर है 2a, तो 2 × a का मतलब कितना है 0.6, इस टाइप से लिखते हैं, प्लस लगाते हैं। फिर हमको क्या करना है, यन माइनस वन लिखना है, तो यन कितना है 100 है, और उसके बाद डी लिखना है, तो डी का मान कितना है 1.1 है। बस इतना ही तो है, इसी को हमें सरल कर देना है। अब देखिए यहाँ पे, तो ये आपका हो गया 50, 100 में 2 से भाग करेंगे 50 हो गया। इसको देखिए गुणा करते हैं, 6 × 12, गुणा भी देख लीजिए थोड़ा सा, हम गुणा कैसे करते हैं इसको थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। मतलब जैसे 0.6 को किस में करना है, 0.6 को 2 से करना है, तो 2 और 0.6 से गुणा करना है, तो 2×6 = 12 तो हो गया। अब यहाँ भी ये देखते हैं हम कि 0 के दाईं तरफ कितना अंक है। देखिए 0 के दाईं तरफ इसमें कितना अंक, 1 अंक है, तो इधर से गिनेंगे 1 अंक पे 0 लगा देंगे, 1.2 हो जाएगा ये। तो ये आपका हो गया 1.2, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1.2, प्लस लगाते हैं, ये हो गया आपका 99, घटाने पे कितना होगा 99 होगा, तो ये आपका हम लिख सकते हैं, और 99 इधर मिला और ये 1.1 इधर है, तो 99 में 11 से हमें क्या करना है, गुणा करना है, 99 × 11, तो 99 × 11 जब हम करेंगे तो आपका आएगा 108.9। ये आप लोग गुणा कर लीजिएगा, गुणा अभी हम बताए उसी तरीके से गुणा करना है। ये 100 में से घटाएंगे 99 आया, 99 में से 1.1 से गुणा करेंगे तो 108.9 आएगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है, इसको जोड़ लेना है, 50 जोड़ लेते हैं। अब जोड़ने पे आप लोगों का हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 110.1 हो जाएगा ये दोनों। अब जब हम आपका जोड़ेंगे, सेम वही प्रक्रिया जैसे जोड़ना अभी हमने आप लोगों को बताया, मतलब 0.0 जो है 0.0 के सामने, 1 जो है 8 के नीचे हो जाएगा, 2 9 के नीचे, उसके बाद जोड़ लेते हैं जैसे जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है बस। अब इसका इसका गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करने पे आप लोगों का 55.05, और यही उत्तर हो जाएगा। तो ये गुणा की प्रक्रिया हम बता नहीं रहे हैं, गुणा भाग जोड़ घटाव ये आप लोग करिएगा, टाइम वेस्ट होगा इसमें। तो इसका इससे गुणा करना है, जो आएगा आंसर हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, मतलब प्रश्न नंबर 4 इसका यहाँ पे लगा देते हैं। प्रश्न नंबर 4, 1/15, 1/12, 1/10, 1/15, 1/12 और 1/10, ऐसे करके 11 पद जाएगा, 11 पद तक आपका चलेगा। तो 11 पद में आप लोगों को कितना, मतलब संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, यही आप लोगों को पता करना है। चलिए तो हम यहाँ पे a बराबर देखते हैं, a बराबर कितना हो गया 1/15। फिर d बराबर, अब 1/12 से 1/15 हमको माइनस करना है, तो माइनस की प्रक्रिया हम आप लोगों को बटा के समझा देते हैं। हाँ तो देखिए इसमें आपको 1/12 से 1/15 माइनस करना है d का मान निकालने के लिए, तो 1/12 लिखते हैं माइनस 1/15 लिखते हैं। अब इसका जो है एलसीएम लेना पड़ेगा, 15 और 12 का एलसीएम, तो एलसीएम आएगा कितना 60, 12 पंचे 60 होता है और 15 चौका 60 होता है, तो 12 पंचे 60 यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 चौका 60 होता है, 15 चौका 60 यहाँ 4 हो जाएगा, 5 में से 4 निकाल दिए, 1 बचा कितना 1/60। अब 1/60 ये आपका किसका मान हो गया, डी का,
और यन बराबर आपको दिया गया है कितना है 11, बस मान रखते हैं। अब देखिए एस एन बराबर 11 बटा 2, फिर यहाँ पे 2a है तो 2 × 1/15, 2 × 1/15, 1 = 1/15 है। फिर देखिए प्लस लगाते हैं, यन कितना है 11, 11 माइनस 1 करते हैं और d का मान 1/60 है। ये हो गया फार्मूले पे आपका। अब इसको सरल करना है हमें, तो 11/2 देखिए कटेगा नहीं, अभी ऐसे लिख देते हैं। ये जो है 2/15 नहीं कटेगा, तो 2/15 लिख देते हैं प्लस। यहाँ पे देखिए 11 है और 11 में से एक निकल गया, 10 बचा, 10 में एक से गुणा करेंगे तो 10 कितना हो जाएगा, 10 × 9 = 10/60। ये आपका इतना आया। अब चलिए देखते हैं, इसको सरल करना है हमें, काट सकते हैं 10 × 9 = 10, 60 कर देते हैं, 10 × 6 = 60, 6 है। फिर ये आपका बचा 11/2, फिर 2/15 प्लस 1/6। अब इसका एलसीएम लेके जोड़ते हैं, तो इसका जोड़ हम देखिए आप लोगों को दिखा रहे हैं, 2/15 = 1/6, तो 2/15 प्लस 1/6, ये तो पहले वाला है, इसको नहीं देखना आपको, 2/15 = 1/6। देखिए हर बराबर करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 30, 15 × 2 = 30 होता है, 2 आया, 2 से गुणा 2 में करेंगे तो 4 प्लस 6 × 6 = 30 होता है, तो 5 आएगा, तो 5 × 1 = 5, तो कितना हो गया 4 × 5 = 9, 9/30, ये आपका 9/30 आया। मतलब ये आपका 11/2 × 9/30, बस यही तो है अब आपका उत्तर। मतलब गुणा कर लीजिए, बस उत्तर आ गया आपका। अब गुणा करने में देखिए गुणा कैसे होता है, इसका गुणा भी थोड़ा सा समझ लीजिए। गुणे में कुछ करना नहीं, बटे का गुणा जो होता है कुछ नहीं करना, ऊपर का गुणा ऊपर से कर दो, नीचे का गुणा नीचे से, तो 9 × 11 = 99 और 30 × 2 = 60। अब इसको जो है सरल अगर करना चाहोगे थोड़ा सा, 3 × 3 = 9, 33 और ये 30 हो जाएगा, बस यही लास्ट आंसर हो गया आपका। तैतीस बटा 20 होगा, 3 से कट रहा है तो 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 9, फिर 3 × 2 = 6, 0, यही आपका आंसर हो गया। तो आप लोगों ने पहला सवाल कंप्लीट कर लिया, अब चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कह रहा नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसमें आप लोगों को योगफल दिया गया है, इसको पता करना है, ये मतलब कितना योगफल होगा। इसमें नंबर नहीं दिया गया, आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है, जैसे 7 है, 10 × 1/2 है, 14 है, फिर इसके बाद कितना होगा कितना होगा, ऐसे ऐसे करके 84 तक गया है। तो इन नंबर्स का ये 84 जो है आपका an है, यानी लास्ट संख्या जो है उसका मान है, यानी आपके समांतर श्रेणी की आखिरी संख्या जो है, आखिरी नंबर्स जो है उसका मान है, ये कितना हो रहा है 84। अब आपको पता करना है, इसमें sn पता करना मतलब योग पता करना है, तो योग पता करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, देखिए हमको a चाहिए, d चाहिए और n चाहिए। तो ये n हमारा नहीं है, ये हमारा क्या है, an है, जो पिछले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है। an का मतलब आखिरी संख्या का मान, और n बराबर होता है कितने पद हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे करके गिन लीजिए, जितना पद है वो n का मान होता है। पर हमारे सूत्र में जो लगेगा ये योगफल के, वो n भी लगेगा, तो पहले हम इससे जो है n का मान प्राप्त करेंगे, यानी n निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं a बराबर आपका कितना हो गया 7, और d बराबर, अब d का मान देखिए इतने में से इतना घटाना, मतलब 10 × 1/2 से 7 घटाना है, तो 10 × 1/2 से 7 घटाते हैं, देख लीजिए 10 × 1/2, 10 × 1/2 - 7, 10 × 20 = 21 हो गया, 21/2 - 7, हर बराबर करेंगे, 2 यहाँ भी जाएगा, 2 यहाँ भी, तो हो गया 21 में से
सात दूनी 14 निकाल दिए, कितना बचा 6, 6/2 बचा, 7 × 2 = 14 हो गया, 21 में से 14 निकाल दिए तो 6 नहीं बचेगा, 14 × 6 = 20 होता है और 21 है तो 7 बचेगा, तो ये हो गया आपका 7/2। ये 7/2 आपका किसका मान हो गया, डी का मान हो गया। तो डी का मान जो है हम लिखेंगे 7/2। और यन, यन हमको पता नहीं है, और ये हमारा क्या है ए एन, ए एन बराबर 84 है, ए एन बराबर 84 है। तो बस अब हम पहले यन का मान पता कर लेते हैं, सूत्र लगाएंगे हम कौन सा, ए एन बराबर जो होता था क्या होता था, ए प्लस यन माइनस वन डी बराबर ए एन, यही तो होता था सूत्र आपका, यानी पहले जो आप लोग सूत्र लगाते थे यही लगाते थे, इसी के माध्यम से आप ए एन प्राप्त करते थे। तो इसी पर रख देते हैं, ए का मान देखिए कितना है 7 प्लस यन पता नहीं, यन माइनस वन ये माइनस है सारी, और डी का मान कितना है 7/2 बराबर ए एन कितना है 84। अब यहाँ पे पहले हमको यन प्राप्त करना है, क्योंकि हमारे सूत्र में जो योगफल का सूत्र उसमें यन की ज़रूरत है, तो पहले हम यहाँ से यन निकालेंगे, कितना पदों की संख्या कितनी है वो हम पहले पता करेंगे। तो ये हो गया आपका 7 ले जाते हैं उधर, अच्छा चलिए ठीक है, एक बार यन माइनस वन और ये 7/2 बराबर 80 और वही चीज़ लिख दिए, चलिए ठीक है। आगे देखिए ये 7 है, 7 ले जा करके पहले इसमें क्या करते हैं, 7 से हमें क्या करना है, इधर ये माइनस है तो इसको ले जा करके हमें उधर, या ऐसा करते हैं सब सब में ये 2 है ना, 2 × 7 कितना हो जाएगा 14 प्लस, और बराबर 84 में भी 200 गुणा करना पड़ेगा, इसमें करेंगे इसमें है ही, इसमें करेंगे इसमें करेंगे 200, तो 2 × 8 = 2 × 8 = 16 ये हो गया। अब इसको ले जाके घटाते हैं, यन माइनस वन ये 7 है और 14 घटा देते हैं तो 8 में से 4 निकाल दिए 4 और 6 में से 1 निकल गया 5, ये आपका 1 बचा। अब 7 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, यन माइनस वन बराबर 7 से भाग करेंगे, 7 × 2 = 14 और 7 × 2 = 14 7 खत्म हो गया। अब यन बराबर ये जाके जुड़ जाएगा कितना होगा 23, यन का मान कितना आ गया आपका 23 आ गया। अब इसी सवाल को हम क्या किस पे रखेंगे, यस एन वाले सूत्र पे रखेंगे, क्योंकि हमको योगफल ज्ञात करना है, तो यस एन बराबर, यस एन बराबर यन 2 होता है, तो यन 2 का मतलब यन कितना आया आपका 23, 23/2 फिर 2a होता है, 2 × a का मान कितना है आपका 7 प्लस यन माइनस वन, यन का मान कितना आया 23 - a और d का मान कितना है 7/2, ये आपका फार्मूले पे हो गया। आप अब इसी को आपको हल करना है, देखिए अब यहाँ पे ये कटेगा नहीं, लिख दीजिए 2, आगे हल करते हैं 7 × 2 = 14 प्लस 22 में से एक निकाल दिए, 23 में से एक निकाल दिए कितना आया, 23 से एक निकालेंगे 22 आएगा, यानी आपका ये बचा 22 × 7/2 यही तो बचा, तो 2 से भाग करेंगे 11 आया, 11 × 7 = 77 यानी ये सब हल करने के उपरांत आपका इतना सब हल करने के बाद कितना आ रहा है 77। बस अब कुछ करना ही नहीं आप लोगों को, 23/2 और जोड़ लेंगे 7 × 4 = 11 और 7 × 8 = 9 = 91 हो गया, गुणा कर लीजिए 23 का 91 में गुणा करना है, तो 23 का जब 91 में गुणा करेंगे तो आएगा 20 93 पूरे का 2 नीचे है ये। अब इसको अगर 2 सही में हम करना चाहें तो
तो इसको हम भाग दे देंगे दो से, तो आएगा 10/46 सही 1/2। ये आपका उत्तर हो गया। ये हम ऑलरेडी करके रखे हैं, लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा। 2 से भाग करना, जो शेष बचेगा ऊपर और 2 नीचे। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 का जो है दूसरा वाला, देखिए इसमें भी वही प्रक्रिया इसमें भी करना है। ए बराबर आपका क्या है 34 है, डी बराबर देख लीजिए, डी बराबर 32 में से 34 घटाना है, तो माइनस कितना आएगा 2। और उसके बाद नंबर, यानी ये जो है आपका ए एन बराबर कितना है 10 है। अब पहले इसी सूत्र पे रखते हैं इसको, तो ए प्लस 1 माइनस ए डी, तो ए का मान कितना है 34 प्लस एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 लिखते हैं क्योंकि एन पता नहीं है, और डी का मान कितना है माइनस 2। ये बराबर ए एन के होता है, मतलब 10 के होता है। अब सरल कर लेते हैं, 10 ले जा करके उधर माइनस करते हैं, ये यहाँ पे माइनस प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एन माइनस 1 और ये माइनस 2 बराबर, देखिए ये प्लस है, इधर से ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस से ये प्लस घट जाएगा, तो माइनस 24 बचेगा। अब देखिए ये यहाँ पे क्या है, माइनस 2 है, ये गुणा है, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, एन माइनस 1 बराबर 2 से भाग करेंगे, देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 12, या एन बराबर ये माइनस उधर जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 1 जोड़ करके 13 हो जाएगा। यानी एन बराबर आपका कितना मान आ गया इसमें 13 आ गया। अब हम यस एन पे रखते हैं, यस एन बराबर एन 2 होता है, तो एन 2 का मतलब 13/2, उसके बाद 2n होता है, 2 ए होता है, तो 2 गुणे ए, ए का मतलब आप जान रहे हैं कितना है 34। इसके बाद प्लस एन माइनस कितना होता है एन माइनस 1, तो एन 13 है, 13 माइनस 1, डी का मान कितना है, डी का मान माइनस 2 है। ये आपका फार्मूले पे हो गया। अब इसी फार्मूले पे हम रख करके एन का मान आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं, तो ये हो गया आपका 13/2, 34 दूना कितना हो गया 68, प्लस 13 में से एक निकाल दिए 12 दूनी 24, लेकिन ये माइनस हो जाएगा माइनस 24, तो 13/2 गुड़े 68 में से 24 निकाल देते हैं, 8 में से 4 निकाल दिए 4, 6 में से 2 निकाल दिए 4, कितना हो गया 44 हो गया, 2 से काट देते हैं 22 हो गया, 13/22 बचा, इसका गुणा कर लेते हैं तो 286, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका जब गुणा करेंगे तो इतना आंसर आएगा। चलिए अब ये आप लोगों का दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ, अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर, यानी जो दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, दिया है -5 पहले, प्लस फिर -8, फिर प्लस, फिर -11, प्लस लगा है, उसके बाद डॉट डॉट करके प्लस माइनस लगा है 230। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन को आपको हल करना है, सेम प्रक्रिया वही है, सब कुछ जैसे लगाते आ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर कितना है -5। अब हम डी बराबर पता करेंगे, तो डी का मान ज्ञात करने के लिए इसमें से इसको घटाएंगे, यानी -8 से -5 को हमको घटाना है। तो -8 को जब माइनस, देखिए -8 को घटाना है किससे, -5 से, -8 में से घटाना है -5 को, तो -8 और +5 बराबर कितना आया 3, माइनस का 3 आएगा, तो डी बराबर आपका कितना हो गया, डी बराबर -3। और ए एन बराबर दिया गया है, ए एन बराबर -200
30, ये AM का मान है। अब AN, अब सब कुछ आपको मिल गया है। अब N के सूत्र पर इसको हम क्या करेंगे, रखेंगे। तो A प्लस 2D, A प्लस N माइनस 1D बराबर AN, यही तो होता है फार्मूला। अब इसी पर रख दीजिए, A बराबर माइनस 5 प्लस N, N का मान कितना है आपके सामने पता नहीं है, तो N माइनस 1 लिखते हैं। D का मान कितना है, माइनस 3 है, माइनस 3 लिखते हैं। बराबर AN कितना है, माइनस 230 है। देखिए ये माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ेगा तो 225 हो जाएगा माइनस का ये, यानी N माइनस 1 और माइनस 3 बराबर माइनस 225 हो गया। ये जाके घट जाएगा उधर, क्योंकि प्लस हो जाएगा तो प्लस घट जाएगा माइनस से। अब 3 बचा, 3 देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस प्लस होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और 3 से भाग कर देंगे। N माइनस 1 बराबर 3 सते 21, 3 पचे 15, या N बराबर आपका हो जाएगा, ये जाके उधर जुड़ जाएगा, 76। यानी N का मान आपका कितना निकल आया इसमें, 76। अब SN पता करना है, तो चलिए यहाँ पे हम SN पता कर लेते हैं। SN बराबर N बटा 2 होता है, तो 76 बटा 2, और फिर इसमें जो होगा 2N, 2A होगा, तो 2 गुणे A, A का मतलब कितना है, माइनस 5। फिर प्लस लगाते हैं, N माइनस 1, तो N कितना है, 76 माइनस 1, और उसके बाद D लिखना है, तो D का मान कितना है, माइनस 3। माइनस 3 हो गया। अब सरल करना है, देखिए 76 में 2 से भाग करेंगे, 2 तिहाई 6, 1 7 2 8 16, 38 हो गया। 5 गुना कितना हुआ, 10 हो गया माइनस का, प्लस 76 में से एक निकाल दिए 75 हुआ, 75 को 3 से जब गुणा करेंगे तो यानी 75 गुणे 3, तो देखिए कितना होगा, 75 गुणे 3 15, 3 से 21, 22, 225। यानी ये आपका, लेकिन यहाँ पे देखना हमें माइनस का आ रहा, तो ये माइनस करेंगे हम 225, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा। अब ये देखिए दोनों माइनस माइनस में आए हैं, ये भी माइनस का है, ये भी तो जुड़ जाएगा, 38 गुणे 225 में जोड़ेंगे 10, 235 माइनस का हो जाएगा ये 235। अब गुणा कर लेते हैं, 38 को 200 माइनस 235 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस 8930, यही आपका आंसर हो गया। मतलब इसका इससे गुणा कर लेना है आपको, बस माइनस से कोई मतलब नहीं, माइनस यहाँ पे लगा देना है, अंक अंक का आपको नंबर का गुणा कर लेना है, बस आपका आंसर कंप्लीट। तो आज आप लोगों ने दो क्वेश्चन देखे, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर इसके आगे का जो है, प्रश्न नंबर 3 हम अगले वीडियो में आप लोगों को देंगे। आप लोग पढ़ते रहिए ध्यान से, कंप्लीट करते रहिए, नोटबुक बनाते रहिए। अब आप लोगों से मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।